जितना हमने भोजन ग्रहण करना है उससे जितना हमारा पाचन क्षमता ले सकता है, शरीर ग्रहण कर सकता है, उतना ग्रहण कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का भी विधान है। जैसे हम लोग कपड़े लेके आते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे तरह ड्राइक्लीन करा करके पहन लेते हैं, कुछ दिन के बाद में वो पुराने हो जाते हैं, उनको फेंक देते हैं। उसी तरह से शरीर भी कहते हैं भाषाम से जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हमारे शरीर कपड़े की तरह से परिवर्तित होता रहता है, आत्मा एक जगह नहीं रहता है, जहाँ पर उसको जितने दिन का भोग करना है उतना भोग करके दोबारा वहीं पर वापस चला जाता है, दूसरे जगह कपड़े पहन लेते हैं हम लोग, उसी तरह से वो भी कहीं ना कहीं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो भगवान जी का लीला है, उस लीला को हम लोग नहीं जान सकते हैं, कब तक बाहर आ सकते हैं, उसको कितने मरम्मत करने की जरूरत आवश्यकता होती है, कहीं टूट फूट भी जाता है, उसको बेल्डिंग भी करनी पड़ती है कई बार, तो शरीर को भी उसी तरीके से चलाना पड़ता है। कहीं से मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है, कई बार घर बनाते हैं थोड़ी देर में पपड़ी निकलना शुरू हो जाती है, तो शरीर का भी वही हाल है। कई बार हमारा बाहर से भी हो जाता है, कभी फोड़े पोंछे से निकल के भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग उपचार करते हैं डॉक्टर के द्वारा, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा अपने अंतर भी है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री विशिष्टम वशिष्ठम चाष्ट सिद्धय, आठ प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के पास में विद्यमान है, तो हनुमान जी की अगर उपासना करते हैं तो वो चीज हमें प्राप्त होती है। प्राप्त करने के लिए हम लोग कई बार करते हैं ना, हमने दान देना है, किसको देना है, पात्र को देना है। भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा, अब यहाँ पर कहते हैं भूतात्मा परमात्मा च। जो व्यक्ति पुनित नहीं है, तुम नामक नरक से कोई भी आगे जाने वाला अगर नहीं है, तो उनको भी भूतात्मा, उनको भी तारने वाले हैं। कौन है? भगवान नारायण है। अब भगवान का नारायण का, क्योंकि हम लोग जब कभी पूजा करने बैठ जाते हैं तो मन हमारा स्थिर नहीं होता है, कैसे मन को स्थिर करें? तो मन कहता है कि हम लोग यहाँ से वहाँ पर चले जाएं, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं जाना चाहिए, गलत कर रहे हो। कई बार कई लोग शिक्षा देते हैं कि ऐसा करो, ये काम करने से तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन अंदर से हमारी बुद्धि कहती है नहीं, गलत हो रहा है। तो कई बार बुद्धि हमारे बचाती, बुद्धि कैसे बचाती है? तो मन को सही करने के लिए मंत्र का जाप, मंत्र का जितना जाप करते हैं उसमें मन शुद्धि होती है, मन शुद्धि होने से बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो हमारे परमात्मा में लगने में कार्य करने में सरलता आ जाता है। इस सरलता को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में ये द्वादशाक्षरी मंत्र है भगवान जी का, जितना उच्चारण हम लोग कर सकें इसी में से भगवान पार कर सकते हैं। एक तो द्वादशाक्षरी मंत्र है, दूसरा है भगवान जी का नाम संकीर्तन अष्टोत्तर अष्टाक्षरी मंत्र होगा, यज्ञोत्री होगा, यज्ञ हवन करने वाला होगा, स्वयं भी किसी के घर में जा कर के अपने हाथ से बना के खाने वाला, दूसरों के हाथ से शांति सरला परम तेसा मत्ते विरल तरलोहम तव सुतः। तो गा में क्यों करना चाहिए?
इसलिए कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारीतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवनम्। क्योंकि माता पिता ही शिक्षा देते हैं। हम लोग गुरुकुल में जब हम इस मंत्र का जाप करते हुए हम लोग, क्योंकि हमारा शरीर क्षण के प्रतिदिन हम लोग कहते हैं बच्चों का एक बड़ा हो रहा है। चरण रख रहे हैं, उन चरणों को आप हमें क्षमा कर दीजिएगा।